दुर्गा पूजा में काजोल प्रसाद के लिए पंडित जी से लड़ते दिखाई दी, मुंह बनाती दिखाई दी। येलो साड़ी पहनकर काजोल दुर्गा पंडाल में जाती है, लाइन में लगी है और वो पंडित जी से कुछ मांगती दिख रही है। पंडित जी उन्हें प्रसाद के तौर पर दो फल दे देते हैं, जिसे लेते ही काजोल पहले माथे से लगाती है और फिर मुंह बनाती है, जैसे उन्हें क्या छोटी सी चीज दे दी गई है। वो बड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही है। पास खड़े लोग काजोल पर हंसने लगते हैं। अब काजोल क्या जाने कि उनके हाथ के प्रसाद की क्या वैल्यू है। दिन एक्ट्रेस काजोल ने दुर्गा पंडाल में जाकर बवाल मचा दिया था। हर बार काजोल कुछ ना कुछ कांड करती है और सुर्खियों में आ जाती है। आज काजोल दुर्गा पूजा के लिए पिंक साड़ी पहनकर पहुंची और बहुत जल्दबाजी में जा रही थी, फोन पर बिजी थी और चलती चली जा रही थी, जिसकी तुरंत उन्हें सजा मिली। हैरानी तो इस बात की है कि काजोल की वजह से एक बुजुर्ग शख्स चोटिल होते होते बचा, बल्कि चोट भी लग गई होगी। काजोल फोन पर बिजी थी और उन्हें नीचे सीढ़ियां नहीं दिखाई दी और वो चलती चली गई, जिस वजह से वो नीचे धड़ाम से गिरती है। उनके हाथ का फोन उछलकर शख्स के ऊपर गिरता है और वो भी व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग पर धम्म से गिर जाती है। काजोल का बेटा तुरंत माँ को संभालता है, लेकिन हैरानी तो तब हुई काजोल ने उस बुजुर्ग शख्स की चिंता न करते हुए उसका हाल चाल न पूछते हुए बल्कि अपने फोन को ढूंढने में लग गई। घबरा गई कि फोन टूट तो नहीं गया। काजोल की हरकत कैमरे में कैद कर ली गई। अभी अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। वीडियो देखकर हर किसी के दिल में धक हो गया। इन दिनों हर तरफ नवरात्रि धूमधाम से सेलिब्रेट की जा रही है। हर कोई माँ दुर्गा की पूजा भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। कई बॉलीवुड हस्तियां भी इस त्योहार को काफी अच्छे से मनाती दिखाई दे रही है। हर बार की तरह इस बार भी कई स्लैब्स दुर्गा पूजा पंडाल में माँ देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी हर बार की तरह नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने अपने परिवार के साथ पहुंची। वो फोन में स्थिति और सामने देख भी नहीं रही थी, जिस वजह से उनके साथ हादसा हो गया, जिसमें एक्टर्स फोन में बिजी होने के चलते धड़ाम से गिर गई। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने काजोल को संभाला, लेकिन उनके पैर में मोच आ गई है। फिर माँ को गिरता देख बेटे युग ने तुरंत उनको संभाल लिया। वीडियो में बेटे युग को देख कर माँ आंखें भी गुनगुना रही है। दुर्गा पूजा पंडाल में काजोल को गिरते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कई फैंस उन्हें ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं, तो कई यूजर्स ने लिखा फोन तो बाद में भी यूज किया जा सकता है। दूसरे यूजर ने कहा ये हमेशा क्यों गिर जाती, दो तीन फिल्मों में भी ऐसे ही गिर जाती है या बार बार कुछ ना कुछ गिरा ही देती है। बता दें इस पूजा में काजोल के और भी कई वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें एक्ट्रेस लोगों के साथ फोटो क्लिक कराती दिखाई दी, मस्ती करती दिखाई दे रही है। माँ दुर्गा पंडाल में पहुंची काजोल के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, साथ ही बालों में बन बनाया हुआ है और डार्क लिपस्टिक के साथ मिनिमल मेकअप किया हुआ है। काजोल का ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन उन्हें नजर लग गई उनके साथ हादसा हो गया, उनके पैर में मोच आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इस खास मौके पर आलिया ने खास आउटफिट भी चुना और अपनी वेडिंग साड़ी पहनी। कुछ लोगों का कहना था कि करोड़ों रुपए कमाने वाली आलिया नेशनल अवार्ड के लिए एक साड़ी तक नहीं खरीद पाई, तो कुछ लोगों का कहना है कि आलिया ने इस खास दिन के लिए अपनी खास साड़ी चुनी होगी, क्योंकि आलिया को जो अवार्ड मिला वो फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को नहीं मिलता है। आलिया ने बहुत कम उम्र में इस अवार्ड को हासिल कर बॉलीवुड को हिला दिया। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में दमदार किरदार के लिए आलिया भट्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। आलिया की खुशी में रणवीर ने उन्हें करोड़ों रुपए का गिफ्ट दे दिया। जी हां, अवार्ड के एक दिन पहले ही रणवीर ने आलिया को लैंड रोवर रेंज रोवर कार गिफ्ट की, जिसकी कीमत 4,80,000 बताई जा रही है। अब कार की कीमत सुनकर आप इनकी फैसिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। आलिया नेशनल अवार्ड लेने के लिए इस कार से ही गई थी। आलिया के साथ कृति सैनन को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट ने अवार्ड लेते ही फोटोग्राफर्स को पोज दिए और जबरदस्त पार्टी रखी थी। मुंबई में 141वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन का उद्घाटन किया गया। इसे मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने होस्ट किया था। इस इवेंट में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर भी शामिल हुए थे। इस इवेंट की फोटो सामने आ चुकी है। पीएम मोदी से लेकर देश विदेश के तमाम लोग दिखाई दिए और पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे तो आलिया भट्ट सोती दिखाई दी। इस इवेंट की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने, इवेंट के फ्रंट लाइन में दीपिका, शाहरुख खान बैठे दिखाई दिए, उनके पीछे आलिया, रणवीर बैठे दिखाई दे रहे। इवेंट में कई बार आलिया भट्ट अंगड़ाई दिखाई दी, उबासी लेती दिखाई दी और एक बार तो सो भी गई, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट ने साफ साफ पीएम मोदी की बेइज्जती की है, देश की बेइज्जती की। इतना ही नहीं, उनके पति रणवीर भी फोन चलाते दिखाई दिए। दोनों इस इवेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट लेते नहीं दिखाई दिए। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग इन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे, तमाम बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो मजाक भी बना रहे, कुछ लोगों ने कहा कि आलिया तो चली अपनी नींद लेने, दूसरे ने लिखा बोरिंग इवेंट में नींद तो आ
आएगी। आलिया की कोई गलती नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा भाषण जो देते हैं। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पाल जी ने कर दिया ऐलान कि उनके बेटे सनी देओल रणवीर कपूर संग नहीं करेंगे काम। आखिर धर्मेंद्र क्यों नहीं चाहते कि सनी पाल जी रणवीर संग किसी फिल्म में काम करें? आखिर धर्मेंद्र को रणवीर से क्या दिक्कत? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो रणवीर से नाराज हैं? जैसे कि कुछ टाइम से एक खबरें आ रही है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और इस फिल्म में उन्होंने राम के किरदार के लिए रणवीर को लिया है और हनुमान के किरदार के लिए वो सनी देओल को चुन चुके थे। लेकिन धर्मेंद्र के बयान से फिल्म में एक नया ट्विस्ट आ गया है। धर्मेंद्र का मानना है कि मेरा बेटा सनी इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, उन्हें इस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रणवीर कपूर की सोच से दिक्कत है। धर्मेंद्र का मानना है कि रामायण में राम के किरदार को निभाने वाले को पहले राम की छवि बनानी चाहिए और रणवीर की कैसी छवि है वो तो पूरा बॉलीवुड और पूरा देश जानता है। हर कोई जानता है कि रणवीर लड़कियों के संग घूमते फिरते हैं, वो अल्कोहल भी पीते हैं और वो नॉनवेज भी खाते हैं। ऐसे छवि वाले एक्टर को राम का किरदार देना ठीक नहीं होगा और ना ही ऐसे एक्टर संग मेरा बेटा सनी काम करेगा। धर्मेंद्र का मानना है कि जब तक रणवीर कपूर राम जी के किरदार के लिए शराब, लड़कियों के संग घूमना फिरना और नॉनवेज नहीं छोड़ देते, तब तक बेटा सनी उनके संग फिल्म में काम नहीं करेंगे। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान दिखे और शाहरुख खान नहीं दिखे तो बखेड़ा तो होगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जबकि हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख खान को सबसे पहले हेमा मालिनी ने अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म में लिया था। तब शाहरुख खान एक सीरियल में काम कर रहे थे, वहीं से उनकी माता जी ने भविष्यवाणी की थी, ये लड़का कभी को बहुत बड़ा हीरो बनेगा। शाहरुख खान भी हेमा मालिनी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान का ना पहुंचना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी में तमाम बॉलीवुड स्टार्स दिखे, यहाँ तक सलमान खान सबसे आगे दिखे, लेकिन शाहरुख खान नहीं दिखे। सलमान खान को देखकर लोगों ने शाहरुख खान का जिक्र किया और तो और सलमान खान सनी देओल के भी अच्छे दोस्त हैं, जबकि सनी और सलमान काफी टाइम से एक दूसरे से मिले तक नहीं थे, लेकिन हाल ही में गदर 2 की पार्टी में सलमान और सनी की दोस्ती देखकर दिल खुश हो गया था। हेमा की पार्टी में इस बात का जिक्र हो गया, लोगों ने सलमान से कहा भाईजान किंग भाई नहीं दिख रहे हैं। इस पर सलमान ने बेहद कड़वा बोल बोल दिया, जिसे सुनकर धर्मेंद्र की मुंह की बोलती बंद हो गई होगी। सलमान ने कहा हाँ यार, दिख तो सनी देओल भी नहीं रहे, वो भी तो आखिर मेरा भाई है। सलमान ने बात हंसते हुए बोली, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफी है। सलमान अच्छी तरह से जानते हैं कि हेमा मालिनी का परिवार एक होकर भी एक नहीं है। हेमा अपने ससुराल से बहुत दूर है, यानी सनी बॉबी को आज तक नहीं अपनाती है।